सो हे व्हाट्सअप मैडामी, हे मैडामी, जैसे कि मैंने मेरी स्टोरी में आप लोगों से कहा था कि मैं एक व्लॉग ला रहा हूँ जो कि क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर रहेगा, तो वो व्लॉग आज हम लोग यहाँ आ गए हैं व्लॉग बनाने। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, व्हाट्सअप कैसे हो सब, कैसे सब सब ठीक, क्वारंटाइन एकदम बरबर है कि नहीं, मार्क्स रेगुलर हो गया है, सब बरबर मार्क्स पहनो, सब करो, प्रोटेक्टिव रहो, अपने घर को संभालो, सबको संभालो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग क्वेश्चन एंड आंसर का। सो द क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इतने सारे क्वेश्चंस का हम लोग रिप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हजारों में क्वेश्चंस थे, तो मैंने कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जो कि मैंने कभी शेयर नहीं किया हूँ। तो वो क्वेश्चंस मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिया हूँ और सबके नाम के साथ किसने कौन सा पूछा है सबके साथ मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपके फैमिली में कौन कौन है, और ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे एरर है ने। तो भाई मेरे फैमिली में सबसे पहले मेरे फादर है, मेरे डैडी, फिर मेरी मम्मी, फिर मेरी तीन छोटी बहन, और मैं अकेला लड़का हूँ घर का, और एक गोगो है जो कि डॉग है मेरा, जिससे मेरे पूरे घर वाले प्यार करते हैं भाई, हम लोगों के ये फैमिली मेंबर्स हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, पटेल 37 से, हु इज योर इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो एक हीरो है, और आप लोग ज़्यादातर उसको साउथ में देखे होंगे, जो कि उसका नाम है अल्लू अर्जुन, और मैं भी साउथ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को वो हीरो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं उसको इंस्टा पे फॉलो भी कर रहा हूँ। सो मैं उसको बहुत पहले से देखते हुए आता हूँ, क्योंकि वो एक मस्ट टैलेंटेड बंदा है, सब कुछ कुछ के बारे में उसके अंदर। सो वो है मेरा इंस्पिरेशन। और थर्ड क्वेश्चन ये है, एसके दयान 69 से, आई वांट टू नो योर पास्ट टू प्रेजेंट स्ट्रगलिंग लाइफ दैट हाउ यू अचीव द फेम। अच्छा, फेमस कैसा हुआ वो जानना है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बड़ी कहानी है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो सब अपनी आँख इधर रखो, इधर जाओ मत, मम्मी आवाज तेरे सुनो मत, टीवी चालू है सुनो मत, ईयरफोन लगाओ यार सुनो सब। तो दिस लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम 2018, मेरी 11 थी जब मैं कॉलेज में गया, तो वहाँ दोस्ती यारी ये सब, फोन क्या था मालूम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैच क्रिकेट फुटबॉल ये सब। तो स्टार्ट हुआ, मैं देखा कि सब वीडियोस बना देते, तो मेरे डैडी ने मेरे को 10th पास होने के बाद एक फ़ोन दिया था जो कि J7 Pro था, तो उसमें मैं वीडियोस बना के टिकटॉक विकटॉक बना के फनी वीडियोज ये वो थोड़ा बहुत, तो लिटिल बिट ऐसा सब एरिया में मतलब बोलने लगे कि यार ये वीडियो बनाता है। तो सब होने के बाद एक सीन ऐसा आया गाइस के मतलब मेरे डैड को मैंने बोला कि मेरे को ना फोन चाहिए, मेरे को कुछ करना है, मतलब ऐसा कि मेरे को ये फोन नहीं पसंद आ रहा है। तो मेरे डैडी ने कैसा कैसा करके मेरे लिए iPhone 6s अरेंज किए थे, जो कि मेरा फर्स्ट आईफोन था 6s, जिसमें स्लोमोस बहुत चलती थी, मींस जैसे आप अगर स्लोमो वीडियो डाल दो तो आपकी लाइक्स मींस थर्ड बढ़ते रहेगी। तो मेरे डैडी ने मेरे को गिफ्ट किया था 6s, तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया, फिर बनाते बनाते, फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला, उसका नाम था MM Partner 93, जो कि मेरे साथ में अभी वहाँ बैठा है, हंस रहा है मेरे को देख के। तो मुझे एक्सेस पे मिला, घूम रहा था बारिश में भीगते हुए गरीब बच्चे मैं ऐसे कुछ नहीं रहता, हम लोग भी वो मुझे मिला, तो हम लोग भी वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई, वो मेरा टेक लेने लगा, हम लोग वीडियोज बनाने लगे, कैसा कैसा करके मेरे पास भी फर्स्ट इनकम आई, तो मैंने 8+ खरीदा, फिर धीरे धीरे करके आप लोगों का सपोर्ट मिल के स्ट्रॉन्गेस्ट मैड आर्मी इज ओवर हियर, 700K सून ऑन इंस्टाग्राम। सो जिस किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये है मेरा यूजर नेम, जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लव यू गाइस। सो गाइस, जैसे कि चौथा क्वेश्चन ये है जो कि मुझसे पूछा है सद्दू अंसारी ने, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम भाई, आपसे मिलना है तो कहाँ मिल सकता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो और मैं आप लोगों को नहीं मिल पाता हूँ, तो मैं बाहर रहता हूँ शूट पे, तो अभी भी मैं नेहरू ला, तो मेरा एरिया वहाँ है, मैं नेहरू में रहता हूँ, अंदर साइड कोई मिल नहीं पाता है, तो आप सब लोगों को बता दूँ कि मैं संडे फ्री रहता हूँ, मेरे घर पर रहता हूँ, और मेरा घर वडाला में है,
या शेख मिश्री दरगाह, तो आप जिस किसी को भी मिलना होगा आप वहाँ आ सकते हो। संडे को मैं वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल भी हूँ, फोटोज क्लिक करेंगे, वीडियोज बनाएंगे, मेरा आगे पावर बढ़ाएंगे। तो संडे को वडाला अगर आप लोगों को मुझसे मिलना है तो लव यू गाइस। सो फिफ्थ क्वेश्चन ये है खान भाई 01 से, तुम हिंदू हो या मुसलमान? तुम हिंदू हो या मुसलमान? सो गाइस मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोमेडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ मेरे बहुत से ज़्यादा फ्रेंड्स हिंदू है, सब आधा सर्कल हिंदू ही है, तो मैं कभी देखा नहीं, नो हिंदू नो मुसलमान, बस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सफरिंग फॉर लाइफ एवरीथिंग ऑन, सो नथिंग एट ऑल। सो सिक्स क्वेश्चन ये है आपका गांव कौन सा है? तो बहुत से लोगों को मेरा गांव भी नहीं मालूम है, तो मेरा गांव है चेन्नई, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अल्लू अर्जुन इज माई इंस्पिरेशन, सो वो भी साउथ से है, मैं भी साउथ से हूँ। मेरा गांव है कर्नाटक, आई एम फ्रॉम साउथ कर्नाटक, कड़पा रेणीगुंडा यहाँ सब जगह गड़ा है, एकड़े एकड़े जमीन है, ऐसा कुछ नहीं है झूठ बोलो। सो सेवेंथ क्वेश्चन ये है आपके लाइफ के बुरे टाइम कब आए थे और कब गए? सो लाइफ के बुरे टाइम तो पैदा होने साथ ही बहुत बुरा टाइम था, बहुत ज्यादा ही बुरा टाइम था, आप लोगों को बताओगे मतलब बहुत, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा शूज पहनूंगा कभी लाइफ में, या ऐसा गॉगल कभी लगा के ऐसा सोफे पे बैठूंगा। लाइफ कोई थी कि मतलब बनियान करना है, ये वो ऐसा घूमना है, नौकरी करना है, काम करना है, या पढ़ना लिखना, कुछ समझ नहीं रहा था, बच्चा था हूँ ऐसा। तो बहुत ज़्यादा मैं हॉस्टल में लिया हूँ, 8 साल हॉस्टल में स्टडी किया हूँ, फिर हॉस्टल से मेरे डैडी ने मुझे यहाँ लेके आया कि मैं यहाँ पढ़ा पढ़ा, फिर हॉस्टल से मुझे मेरे डैडी ने यहाँ लेके आया कि मैं यहाँ स्टडीज कंटिन्यू करके कॉलेज वॉलेज करके। सो बहुत बुरा लाइफ था गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं 100 रुपये में दिन काटा हूँ, और चल के स्कूल गया हूँ, बस से स्कूल से आया हूँ, चल के घर गया हूँ कॉलेज से, बहुत मतलब कुछ लेने भी सोचना पड़ा था, ऐसा टाइम भी आया कि यार पैसा नहीं है, कुछ लेना है ले सकता हूँ कि नहीं, कुछ लेना है ये ले सकता हूँ कि नहीं। सो लाइफ में बुरे टाइम आते हैं तो डरने का नहीं, उससे सफर करने का, लड़ने का, अचीवमेंट सक्सेस करने का। सो एट क्वेश्चन ये है भाई इंडिया पाकिस्तान में से कौन अच्छा लगता है? इंडिया और इंडिया ऑफकोर्स आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडियन हूँ। सो 11th क्वेश्चन ये है मेरे भाई तूने आग लगा दी है, और अच्छा मैड आर्मी जब बोलता है तब मेरे को अच्छा लगता है। ए व्हाट्सअप मैड आर्मी अरबाज लाल 302 व्हाट्सअप मैड आर्मी। सो गाइस 12th क्वेश्चन ये है आप डाइट में क्या क्या फॉलो करते हो? सो गाइस मेरी नॉर्मल सी डाइट है, दिन की सुबह उठता हूँ मैं, और नॉर्मल सा 4 अंडा 4 बॉइल्ड एग, नॉर्मल सा ओट्स बस, फिर रात शाम में पीनट बटर एग अंदर रख के या चीज़ सैंडविच वैंडविच और नथिंग कार्ब्स और फूड, प्रोटीन मसल गेन है या तो वे प्रोटीन, और वर्कआउट हैवी लोगों गाइस, डाइट तो नॉर्मली जितना आप खा सकते हो उतना खाओ, आपको जो इफेक्ट नहीं करेगा वो मत खाओ, जो इफेक्ट करेगा वो खाओ, वर्कआउट मस्त रखो, और जो कुछ नहीं गाइस होता है होता है लाइफ, जैसा जैसा बढ़ेगी आप लोगों को डाइट मालूम पड़ जाएगी, नॉलेज इज पावर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाँ अच्छी वाली वीडियो कब बनाओगे? भाई मेरी जो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ये ब्लॉग के बाद, वो इससे अच्छी होगी, मैं गारंटी बोलता हूँ आपको, इससे अच्छी वीडियो मेरी नेक्स्ट वाली होगी, जो कि मेरी ट्रेवलिंग ब्लॉग रहेगी, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो वहाँ का ब्लॉग रहेगा गाइस, इससे अच्छी वीडियो वहाँ की रहेगी ना मेरे भाई सवाल व्हाट्सएप। सो उसके बाद है भाई तेरा फेवरेट वीडियो हो गया भाई, एक्सप्लेन कर दिया मुझे तो कोई मिली नहीं बनाने वीडियोस, इसलिए मैं अकेला बनाता हूँ।
करके कमेंट कर, वीडियोस बनाएंगे साथ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई मैं सुसाइड यूज किया, सुसाइड परफ्यूम, जैसे कि आप लोगों को पता मेरा परफ्यूम आया है और ये यूज किया है दुआ 46 ने। सो थैंक यू सो मच भाई, अगर आप लोगों को परफ्यूम कैसा लगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, अगर आप लोगों को बाय करना है मेरा परफ्यूम तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग बाय भी कर सकते हो। दो तरह के परफ्यूम है, एक मैन है एक लेडीज है, लड़की लोग भी ले सकते हैं, लड़के लोग भी ले सकते हैं। सुसाइड मैन परफ्यूम।